महाशिवरात्रि के पर्व पर देपालपुर में जबरेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान सुबह से ही पूरी तरह से नगर में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। रात्रि सवारी के पहले एक विशाल धर्म सभा का आयोजन भी जबरेश्वर सेना द्वारा किया गया, जिसमें काशी के अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी अनंतानंद सरस्वती, राजगुरु मठ पीठाधीश्वर महाराज भी पहुँचे और मंच से आशीर्वचन दिए। इस दौरान जबरेश्वर सेना के संरक्षक राजेंद्र चौधरी ने समरसता को लेकर सभी को एक होने की बात कही और धर्म के प्रति एकजुट रहने का संकल्प लिया। देपालपुर नगर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। मंदिर के कोई मूर्ति नहीं होने से इस स्थान को नगर के लोग जबरेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं, जो कि जबरेश्वर महादेव के नाम से क्षेत्र में प्रचलित है। जहां शिवलिंग न होने के कारण क्षेत्र में जबरेश्वर सेना द्वारा लगातार आह्वान किया जा रहा है कि मंदिर भी वहीं बने और भगवान शिव की मूर्ति भी वहीं स्थापित हो। इसी संकल्प को लेकर देपालपुर में शिवरात्रि के पर्व पर जबरेश्वर सेना द्वारा धर्म सभा के साथ साथ जलाभिषेक का आयोजन रखा, जिसमें हजारों की संख्या में जनता पहुंची। नगर में निकली इस विशाल जबरेश्वर महादेव की शाही सवारी पर जगह जगह अलग अलग कई मंचों स्वागत हुआ, जहां सभी पार्टी के नेताओं ने अलग अलग मंच लगाकर शाही सवारी का स्वागत किया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जैसा कि संतों के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है, तुलसी संत स्वंबतरु फुले फल ही पर हेत, इतते वो पाहन हने उतते वो फल देत। संत उस फलदार वृक्ष के समान होते हैं जो फल देते हैं आपको। ऐसे संत हमारे बीच में हैं। मैं ज्यादा कोई बगैर भूमिका के 1000 वर्ष पूर्व सभी हिंदू सुबह उठते ही एक श्लोक ओंकार ममलेश्वरम परल्य वेद नाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेश दारुका वने वाराणाश्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेश्वरम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः सायं। तो एक और समरसता यहाँ देखा, जबरेश्वर महादेव की जय। जबरेश्वर जय, जबरेश्वर जय, जबरेश्वर जय। ये समरसता कोई ऐसे नहीं आई होगी। एक तरफ शिव जी का उद्घोष हो रहा है और अनायास उधर राम जी का उद्घोष हो रहा है। इससे बड़ा जीवंत विजय का प्रमाण और राजेंद्र के लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मुझे काशी रहने दो, लेकिन राजेंद्र जी से एक बार मिला था पीछे दिसंबर में, मैं जब यात्रा पे था। उन्होंने कहा राजेंद्र जी का बहुत मन है, एक बार पूरी तरह से मना कर दिया था। अंत में पप्पू ने वीटो पावर लगाया, कहा गुरुदेव एक बार तो आ जाओ आप। हमने कहा चलो चलते हैं। जब धर्म के लिए जीवन धारण किया है तो उसमें एक रात जगना है कि 100 रात अब इसको भूल जाना चाहिए और धर्म के लिए चलते रहना चाहिए। सनातन धर्म वो सूर्य है, अभी सनातन धर्म वो सूर्य है जिसकी जानकारी भर हो जाए तो हम लोगों को कोई यह नहीं कह सकता है कि इनके बीच विभेद है। पता है महादेव के मानस पुत्र राजेंद्र जी द्वारा जो उनके उत्कर्ष और उनके उत्थान के लिए जो जन आंदोलन प्रारंभ किया गया है, निश्चित ही मानवता और देपालपुर के परिवर्तन का एक बड़ा कारक बनेगा। राजेंद्र उस कार्य को सही तरीके से निभा रहे हैं और जो
समाज ने इनके त्याग को रिकॉग्नाइज किया है। यह हिंदू समाज के उत्कर्ष का प्रमाण है। कार्यक्रम को लेकर किस तरह की चर्चा व्यवस्था है प्रशासन? जैसे आप लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि पे हमेशा ही ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है, जुलूस निकलना था, एक सम्मेलन यहाँ पर होना था और यहाँ पर जल चढ़ाया जाना था। तो पहले से ही हम लोग 3-4 दिन से यहाँ पर लगे हुए थे उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कैमरे वगैरह, लाइट वगैरह, बैरिकेडिंग वगैरह सब कुछ कर दी गई थी। उसके बाद में फाइनली जितनी बल की आवश्यकता थी हम लोगों ने पर्याप्त बल यहाँ पर लगाया। बहुत ही बढ़िया और नगर के लिए ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि हम सब ने और हमारी टीम ने जो मेहनत कर रही है वो आप लोगों को दिख रही होगी, और हमने प्रत्येक इस विधानसभा के प्रत्येक हिंदू घर से आह्वान किया था कि वो आए, और मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातनी घर से व्यक्ति निकल के आज जबरेश्वर महादेव को विराजमान करने के संकल्प के साथ देपालपुर में पधारे हैं। और देपालपुर में पधारे प्रत्येक सनातनी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं शंकराचार्य जी और सारे संत बंधुओं का हृदय से आभारी हूँ। जो सम्मान उन्होंने दिया है वो मैं अपने संतों से उसको व्यक्त नहीं कर पाता। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं हृदय से आभारी हूँ संतों का, इस हिंदू समाज का और सभी लोगों का। जय जबरेश्वर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।